दोस्तों, ज़्यादातर ईयरफोन या हेडफोन के बॉक्स में आपको मेड इन इंडिया तो लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं होता है। इंडिया में इसको असेंबल किया जाता है, लेकिन ये है मीफी की तरफ से आने वाला मीफी कॉलर 2 एंड ये एक एक्चुअली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसका कॉल क्वालिटी कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है, बैटरी बैकअप आपको कैसा मिलता है, एंड फाइनली आपको खरीदना चाहिए नहीं। एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए प्राउड वाला बात है कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लेकिन जब बात आता है रिव्यू का तो इंडिया का सेंटीमेंट को साइड में रखते हुए इसका रिव्यू दूंगा। तो अगर आप स्नेक बैंड के बारे में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखते रहिए, बहुत सारा कुछ आपको बताऊंगा इस स्नेक बैंड के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है विद्यानंद, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, वन बाय वन सभी रिल्स का बात करते हैं इस मीवी कॉलर 2 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको क्या बताओ, इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही खराब लगा। नेक बैंड के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो कैप मिलता है वो इजिली रिमूव हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाथ में निकल के आ गया, एंड इसका 2 दिन ही हुआ है एंड अभी से ये हाथ में निकल के आना शुरू हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैंने 2 दिन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पावर बटन है, पावर बटन के साइड में हल्का हल्का फटने का दाग आ चुका है। सो आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी किस तरह का है। एंड अगर आप बाकी पूरा जो नेक बैंड को देखेंगे तो आपको बहुत सारे जगह पे गैप देखने को मिलेगा, एंड इसका जो क्वालिटी है वो मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 1400 रुपये, लेकिन इसके हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही खराब लगा। एंड यहाँ पे जो चार्जिंग का स्लॉट मिलता है उसके ऊपर में आपको एक कवर मिलता है, एंड उसका अगर क्वालिटी देखेंगे तो वो बहुत ही आपको चीप तरह का क्वालिटी लगेगा। एंड एक बार अगर आप निकाल देंगे तो उसके बाद उसको ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड उसके लिए आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। एंड बाकी जो इसका क्वालिटी है वो भी मुझे उतना खास नहीं लगा। एंड इसका जो मेन पावर इंडिकेटर है वो आपको इस प्लास्टिक के अंदर मिलता है, तो इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता कि ये ऑन है या ऑफ है। एंड इसका जो ये वॉल्यूम अप डाउन की या फिर पावर ऑन ऑफ का की है, इसको भी आपको काफ़ी जोर से प्रेस करना पड़ता है जब भी आप इसको ऑन करना चाहते हैं या फिर वॉल्यूम को अप डाउन करना चाहते हैं। और अगर बात करूँ एयर प्लग के बारे में, तो एयर प्लग पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है एंड सामने की तरफ 45 डिग्री एंगल में टिल्ट है, तो आपको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप काफ़ी आसानी से गाना वगैरह सुन पाएंगे। और एयर प्लग के पीछे के साइड पर आपको मैग्नेट देखने को मिलता है, लेकिन मैग्नेट का क्वालिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इसमें ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है कि आप इसको अलग कर देंगे तो पावर ऑन होगा या फिर इसको एक साथ में रख देंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, मैनुअली आपको पावर ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और नेक बैंड के राइट साइड में आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको मीवी का लोगो देखने को मिलता है। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 फिजिकल बटन देखने को मिलता है, एंड साथ में आपको चार्जिंग पोर्ट भी लेफ्ट साइड में ही दिया गया है। एंड नेक बैंड के पीछे के साइड में इसका जो क्वालिटी ये काफी अच्छा एंड काफी सॉफ्ट है। और इस नेक बैंड का जो वायर का क्वालिटी है वो भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नेक बैंड के पीछे की तरफ से वायर निकलता है, तो जब भी आपके कानों में लगा कि इसको यूज करेंगे तो आपका कोई चांसेस नहीं है कि आपके हाथ से लग के ये टूट जाए, तो आप उसके हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल इसका डिजाइन मुझे ठीक ठाक सा लगा, लेकिन इसके बिल्ड क्वालिटी मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। काफी चीप मटेरियल यूज किया गया प्राइस को देखते हुए। पावर की का हाल 2 दिन में ही ऐसा है, तो 7-10 दिन 1 महीना होने के बाद कैसा होगा। और अगर बात करूं इसके चार्जिंग टाइम के बारे में, तो कंपनी का दावा है कि 40 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाएगा। मैंने 65 वाट के सुपर हुक चार्जर से इसको चार्ज किया था, एंड 10% से 100% पहुंचने में करीब 45 मिनट्स लगा था, तो अप्रॉक्स 45-50 मिनट्स में ये 0-100% पहुंच जाता है। और अगर बात करूं उसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में, तो अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज करेंगे तो करीब 7-8 घंटा आप इजिली यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। एंड ये काफी लाइट वेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया जो कि बहुत ही पतला है, तो इसका कुल वेट है 29 ग्राम। और अगर बात करूँ उसके कॉल क्वालिटी के बारे में, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अभी मैं रोड के साइड में खड़ा हुआ, आप सुन सकते हैं किस तरह का साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड मैं बहुत जोर से लाउड भी बात नहीं कर रहा, एंड दोनों साइड के नेकलेस को अगर मैं मुंह के सामने लाऊं तो ये है लेफ्ट साइड का, तो आप सुन सकते हैं किस तरह का साउंड मिलता है। एंड ये है राइट साइड का, तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं किस तरह का साउंड क्वालिटी आपको मिलता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं फोन का जो नॉर्मल माइक होता है उससे बात करूँ तो आपको और भी ज्यादा बेटर अंदाजा मिल जाएगा कि कितना आपको डिफरेंस मिलता है जो मीवी का कॉलर 2 माइक है उससे, एंड जो फोन का इनबिल्ट माइक होता है उससे। सो आप इससे बेटर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का आपको साउंड क्वालिटी मिलता है। सो आई होप कि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगा। मैंने बहुत देर तक इसके साथ फोन में बात किया, तो अगर आप इंडोर में है तो आपको यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आवाज काफी क्लियरली उल्टा साइड में सुनाई देगा। लेकिन जब भी आप आउटडोर में आते हैं तो वहां पे आपको काफी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, जैसे ही पास से कोई गाड़ी गुजरता है तो जो गाड़ी का आवाज है एंड साथ में जो मेरा वॉइस है, दोनों के ही आवाज को ये एकदम भी सरप्राइज करते रहता है, तो ये चीज मुझे काफी शॉकिंग लगा। तो आउटडोर में इसका क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा, इंडोर में आप इसको यूज कर सकते हैं इजिली। अगर बात करो स्नेक बैंड के कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट मिलता है, एंड वॉक डिस्टेंस के हिसाब से 10 मीटर का रेंज कहा गया है, तो 10 मीटर रेंज के अंदर आप काफी इजिली कनेक्ट रह सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच में अगर एक दो ऑब्स्टेकल्स भी आता है, दीवारें आता है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत इजिली इसको यूज कर पाएंगे। मैंने बहुत देर तक इसको ट्राई किया, दूसरे रूम में जाकर ट्राई किया, तो वहां पर मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। डेफिनेटली इसका कनेक्टिविटी जो दूसरा नेक बैंड आता है
ब्लूटूथ फंक्शन 5 के साथ उसके जैसा ही है, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा। इसमें आपको IPX7 का रेटिंग मिलता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कंपनी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मुझे इसके जॉइंट में बहुत सारा गैप दिखाई दिया है, तो उससे अगर पानी जाता है अंदर में तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है पानी में डुबा के। सिंपली इसका रिस्क मैं नहीं ले सकता, पैसा बर्बाद, बाकी आप समझ लीजिए। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे आप पावर की को सिंगल प्रेस करके म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं। और अगर आप प्लस की को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग में, एंड माइनस की को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखने से प्रीवियस सॉन्ग में आप बहुत ही ईजिली जा सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे गूगल वॉइस या फिर सीरी को ऑन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और जब भी इनकमिंग कॉल आता है तो ये नेकबैंड वाइब्रेट नहीं करता है और कान में रिंग नहीं होता है। एक लड़की आके पीछे से बोलता है यू हैव ए इनकमिंग कॉल। और बॉक्स के अंदर आपको और भी एक्स्ट्रा 2 पेयर एयर टिप्स मिलता है, तो जो भी आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। एंड बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग कनेक्टर मिलता है जिसका क्वालिटी मुझे बहुत ही चीप लगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मे भी कॉलर 2, बॉक्स में भी कॉलर 2 ही लिखा गया, लेकिन अगर आप इसको फ्लिपकार्ट में खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको कॉलर 2A के नाम से मिलेगा, एंड अगर आप इसको अमेजन से खरीदते हैं तो आपको कॉलर 2B के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा जो डिज़ाइन है वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एयर प्लग के डिज़ाइन में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है बस। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जगह पहुंच जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। ये 6 अलग अलग कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ये है ग्रीन कलर का, बाकी सब कलर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको 10mm का ड्राइवर दिया गया है, तो इसका जो लाउडनेस है वो काफी एडिक्वेट है, तो यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाउडनेस में। लेकिन अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में, तो मिड रेंज का जो नॉर्मली ईयरफोन होता है उसके जैसे ही आपको यहाँ पे मिलता है, जो मेन फोकस है वो आपको यहाँ पे बेस की तरफ मिलता है, तो बेस आपको काफी पंची मिलता है लेकिन आपको फोकस क्लियर देखने को नहीं मिलता है, एंड साथ में आपको ट्रबल भी बहुत ही कम मिलता है। तो ओवरऑल इसका साउंड क्वालिटी एवरेज है, अगर आप 1400 रुपये के हिसाब से जज करेंगे तो फिट नहीं बैठता है। अगर इसका प्राइस 1000 या फिर 1200 होता तो उसके हिसाब से ये ठीक ठाक सा था। तो अगर फाइनली मेरे ओपिनियन के बारे में आपसे बात करूँ तो हाँ, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को डेफिनेटली प्राउड होता है कि कोई ईयरफोन इंडिया में ही पूरा तैयार हुआ है, तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते जिसका क्वालिटी ही उतना अच्छा ना हो। आप अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी भी उतना ही अच्छा देना पड़ेगा, तभी जाके लोग खरीदेंगे। तो उसके हिसाब से इसका क्वालिटी मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ख़राब लगा। साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी एवरेज मिलता है, कॉल क्वालिटी भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको खरीदें 1400 रुपये दे के। अगर आप इंडियन ब्रांड का ही कोई नेक बैंड लेना चाहते हैं तो बोट रॉकर्स 255 प्रो आपको मिलेगा इस प्राइस में। 255 प्रो प्लस आया है रिसेंटली, उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में बहुत सारा नेक बैंड मिलेगा उसमें से आप चूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मीवी डोपोर्ट्स M20 का रिव्यू किया था, तो उसका क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा था, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही खराब निकला। हम सभी इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे बात आता है पैसा देके खरीदने के बारे में, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा क्या आप 1400 रुपये इन्वेस्ट करके इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।